आपका सबसे बड़ा पड़ोसी है आपकी पत्नी और पत्नी का पड़ोसी है पति। वे दोनों साथ रहते हैं, वे साथ में चलते, वे साथ में बैठते, साथ में खाना खाते, साथ में घर में रहते, साथ में रात को भी साथ में रहते, दिन को भी साथ में रहते, क्योंकि वो सबसे पहला पड़ोसी। परंतु अपने पड़ोसी से प्रेम करते, मतलब अपनी पत्नी से प्रेम करते, पत्नी को गा तो अपने पति से। लेकिन होता क्या है कि कोई भी सलाह रहेगा ना तो मेरा भी प्रॉब्लम है, मैं जरा ऐसा मन में नहीं, लेकिन हो जाता है उसे। हम दूसरों से सलाह मत करते, किससे सलाह मत करते जो इस संदेश को नहीं जानते, जो इस वचन को नहीं जानते। और हम जाते पड़ोसियों के पास, अपने घर के बाद अनेक लोग पड़ोसियों या उनसे सलाह मांगते, सलाह मसलत करते, उनसे राय मांगते, उनका खुद का उद्धार नहीं हुआ है। उनका उद्धार नहीं हुआ, वो आपको क्या सलाह देंगे? सबसे पहले सलाह उसके बाद आप अपने पति से सलाह कर सकते हो, पति पत्नी से सलाह कर सकते हो, नहीं तो आप बिलीवर से सलाह करो, आपके पासवान से करो, आप अच्छे विश्वासी भाई बहनों से करो, ताकि आपको सही सलाह मिले। आप समझ रहे? लेकिन होता क्या है कि हम बाहर वालों से सलाह मसलत करते हैं, उनको यीशु ठीक से पता नहीं, तो रूढ़ी परंपरा में वो बसे हैं, वो आपको उल्टा सलाह देते हैं और फिर आपको आप उनका सुनते हो और आपका सारा चीज। ये हो गया गलत चीजों का प्रयोग। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि सही रीति से हमें उसने कहा जा दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हो जाए वहां प्रार्थना करो, वहां प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके दोनों मिलकर, पति पत्नी नहीं बैठ रहे तो अपने माँ बाप के साथ बैठो, अपने बच्चों के साथ बैठो, लेकिन अपने अपने विश्वासी भाई बहनों से शेयर करो ताकि आप आशीष दो। उन पर हम क्या करते, छुपा के रखते, बीमारी दो छुपा के, रहस्यमय बीमारी, उसको मैं रहस्यमय बीमारी बोलता। बाइबल बोलता है कि एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ, मतलब रहस्यमय प्रार्थना सुने लेकिन रहस्यमय बीमारी नहीं। हम कर कुछ नहीं सकते, किसी को मदद नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी मदद है प्रार्थना। लोगों को शर्म लगती है कि प्रार्थना करवाती, लेकिन हर बार हमें क्या करना चाहिए, आप थको मत, चिड़ो मत, चिंतित मत हो, बार बार प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना बहुत लाभ। लेकिन इसके लिए बहुत बार शैतान हमें क्या करता है, ऐसे चीजों से हमें दूर करने की कोशिश करता है, दूर कर। लेकिन प्रार्थना बारंबार बारंबार प्रार्थना तब करो। हमारी सहनशीलता, मैं जब जा रहा था मुंबई के अंदर मीटिंग के लिए, तो मेरे जो बाइक है मैं हमेशा अच्छी रखता हूँ, उसका इस्तेमाल रफ नहीं करता हूँ, मैं हमेशा पेट्रोल का टैंक फुल रखता हूँ। लेकिन वो गाड़ी इतनी परेशान कर रही थी भाई और मैं हर बार प्रार्थना करता, शायद ये भाई भी कह रहा हूँ, मेरे पास तो इतना क्यों प्रार्थना करता, मेरा हथियार है वो, मैं कर क्या सकता हूँ, मैं काम नहीं कर रहा था। लेकिन शुरू हो गई वो मैकेनिकल के पास जाने के बाद फिर शुरू हो गई, फिर लेके गई मुंबई, फिर वो कोई तबियत नहीं, उसी गाड़ी से मैं मुंबई से आया, कुछ भी हानि नहीं हुई, अकेला फिर मैं विरार गया, विरार से आया भिवंडी, वाया भिवंडी होकर सुमसान रास्ते, कुछ नहीं हुआ, अकेला आया जाते समय भाई साहब प्रार्थना। लेकिन मेरी सहनशीलता देख रहा था शायद, है ना, जिससे बात शुरू हो गई, इतना बार करो, इतना बार करो कि एक बार नहीं, दस बार नहीं, पचास बार, हजार बार प्रार्थना करना पड़े तो भी करो। आप समझ रहे? लेकिन एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर निराश न करो, प्रभु भी देखना चाहता है कि कितना इसके अंदर सच है उसका। लेकिन आज आज का इस एज के अंदर बहुत सारी गड़बड़ी है, बहुत सारी
सहनशीलता हो गया, हमारा नॉलेज बढ़ गया, सही है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर हम, मैं देखता हूं, मैं किसी से बात करना शुरू करते, मेरे ही बात कट करते, मैं किसी के घर जाता हूं, मेरे को चुप कराते, वही मेरे को सुनते, मैं उनका सुन गया। आज ये अनुभव मुझे मिलता, तो आज धीरज नाम की सुनने की, अगर कोई कह रहा है तो सुन लो संयम से, धीरज से और निश्चित। लेकिन निश्चित अच्छी बात है, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। और इस दिनों के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना। इसकी बुराई उसके पास, उसकी बुराई इसके पास, इसकी बुराई, मैं तो माफी मांगता हूं, ये गलती मैं कर रहा हूं, मैंने किया, जो कुछ है आपके विषय में मैंने कहा तो आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आप लोग बंद करो, कोई करना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। और चीज देखा मैंने कि ये भाई है, ये अच्छा है, ये प्रभु का वचन से प्रेम करता है, सम्मान करता है, आदर करता है, प्रभु से कर, लेकिन इसका मेरा पड़ता नहीं, सुनो विचार तो ये मेरा दुश्मन, और इसका इसका पट्टा नहीं तो ये मेरा दुश्मन, ये इनका दुश्मन। लेकिन ये बिलीवर हो ना हो, ये चर्च जाता हो नहीं हो जाता हो, लेकिन ये मेरा दोस्त, देखो कैसा है स्प्रिट, देखो कैसा है, जो प्रभु को नहीं मानता, जो प्रार्थना नहीं करता, वो मेरा दोस्त कैसा हो सकता, ये सब। लेकिन ये मेरी नहीं मानता, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, फिर ये कोई भी लोग, मतलब हमारा स्प्रिट कौन सा है, गलत है, ठीक है, हमारे मतभेद एक है, लेकिन उसका बाइबल मेरा बाइबल तो एक है, उसका यीशु मेरा यीशु तो एक है, बराबर एक है, उसका विश्वास एक है, मेरा एक है, ठीक है, हमारे विचार नहीं पट रहे हैं, तो हम साथ में तो जाए, जब यहां पे हम साथ में नहीं रहते तो वहां कैसे रहते, लेकिन वहां तो सबको साथ में रहना, एक ही घर में रहना, एक ही जगह रहना, एक ही पिता के अंडर में रहना, बराबर है, सही है कि वहां एक ही मालिक है, या घर अनेक है, आप अलग जगह रहते हो, मैं अलग जगह रहता हूं, आप उत्तर में दक्षिण में, दक्षिण पूर्व उत्तर चलते रहेगा पृथ्वी पर जब तक, लेकिन वहां पर एक ही घर, एक ही छत है, एक ही राजा है, हम सब उसके पीछे। लेकिन क्या होता है, ये स्पिरिट काम करता है, फिर बोला कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, फिर वो दोस्त कुछ भी रहे, गलत है। ये स्पिरिट, ये सारे चीजें निकलकर हमें एक अच्छा विश्वास, एक अच्छा विश्वास, एक अच्छा विश्वास, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना, इसके लिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और ये सारी चीजों का हमारा कोई दुश्मन है, हमारा एक ही दुश्मन है, शैतान, हमारा शत्रु कोई नहीं है, सही कह रहा हूं, हमारा शत्रु कोई भी नहीं है, हमारा शत्रु एक ही है, जो शैतान, जो अजगर, वो सांप, वो हमारा शत्रु। अगर हमारे यीशु का कोई शत्रु नहीं है, ब्रानम का कोई शत्रु नहीं था, क्षमा कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते। जब ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को तोड़ोगे, ये बंधन है, ये बंधन है। बहुत बार ऐसा होता है, छोटी छोटी चीजें आपको प्राप्त करने के लिए होती है, मानसिक शारीरिक, ये सब तोड़कर आगे बढ़ना, सब तोड़कर, तभी आप सच्ची कली से, सच्चे विश्वास से, सच्चे लोग बन पाओगे, नहीं तो ग्रास ऊपर के जैसा बैगानों के उल्टा, उम्र बढ़ रही है, बाल पक रहे हैं। मुझे कल परसों भाई पॉल जैकब ने फोटो भेजा था, जिसमें भाई जॉन, भाई पन्ना शिंदे, भाई
साइमन पॉल, तो हम मैं एकदम ऐसा दुबला पतला, मतलब 22 साल के लिए सब मेरे पास फोटो है 15 साल पहले, तब काले बाल थे, अब वाइट हो गए। अब उम्र बढ़ रही है, एज बढ़ रहा है, तो उसको कोई महत्व नहीं है। हमारी कितनी आत्मिक उन्नति हुई, आप समझ रहे हैं? पिछले हफ्ते से आज आपका जीवन बेहतर, मतलब कपड़े से नहीं, आपके अच्छे जूते डॉक्टरों को अच्छा रहे उससे नहीं, आपका स्पिरिचुअल रहे, आपके जीवन में मधुरता, अच्छाई, गहराई, संदेश के समय वो वचन के प्रति खूब प्यास, दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए मदद करना, तभी। लेकिन क्या होता है, बोला यदि वो ये दुश्मन है, प्रभु को ये पसंद है फिर, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसको पसंद है। बोला ये मेरा अच्छा विश्वास है, अच्छा भाई है, अच्छा वचन के अनुसार जीवन, उसको पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है मेरा कलीसिया, कोई दुश्मन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बहन भाई है। अगर सही कलीसिया सही उन्नति करना है तो इस सारे चीजों को आगे हो सकता है। मैंने आपके मन दुखाया क्या? आप उस मैंने आपके मन दुखाया है, आपको प्रेरित किया, तो क्या आप उसको पकड़ कर बैठोगे? ना आप जाओगे ना मैं जाऊंगा, लेकिन वही आप जाओगे मुझे क्षमा करके तो आपकी बहुत उन्नति, आपकी बहुत उन्नति, आप बहुत इतना तेज दौड़ोगे कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा, लेकिन वही आप मन में बात रखकर चित्र होंगे। बाइबल हमें वचन दे सकता, इसलिए विश्वासियों के अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा, क्यों सुस्त जीवन हो रहा है? आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन निश्चित मैं जो कह रहा हूं ये 101% ट्रूथ है और ये सब पर लागू है, वो मुझसे ही शुरू होता है, तो वो आप सकता है। इसलिए चर्च चर्च की उन्नति रुकना नहीं चाहिए, चर्च की उन्नति मतलब आपकी उन्नति, मेरी उन्नति, ये रुकना नहीं चाहिए। आप समझते हैं? सहमत है क्या? सहमत है, ऐसा होना ही चाहिए। हर कोई हमारा भाई बहन, हर कोई, इसलिए चर्च में प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे को प्रार्थना में उठना चाहिए। अगर कोई भाई कमजोर है, कोई बहन पर कमजोर है, तो आप बोले कहे प्रभु मेरे जैसा हो भी मैं उसके लिए प्रार्थना, प्रभु ये बहन मेरे जैसी बनना चाहिए, एक बहन ने बहन जैसा बनना चाहिए, ये मेरी बहन है, ये कमजोर है, इसको उठा, मैं इसको उठाता हूं प्रार्थना, मैं उठाती हूं प्रार्थना, मैं इसकी प्रार्थना में सहायता करती हूं, आपकी प्रार्थना की सहायता करती हूं। मैंने कह रहा और उसने किसी से पत्र में कह दिया, दो अध्याय ना पड़े एक दूसरे को प्रार्थना, इसलिए ये बहुत जरूरी। हम नामधारी कलीसिया नहीं आए गए, हाँ प्रेज लॉर्ड हाथ मिलाया टाटा बाय आप कैसे अच्छे हो, आपकी साड़ी अच्छी, आपकी शर्ट अच्छी, आपकी टाई अच्छी, आपके ये फिर आपने क्या खाया, आपकी तबीयत अच्छी है कि नहीं, आपका बीपी बीपी बढ़ा कि नहीं, आपका शुगर वगैरह, ये सब बिन काम के है। आपका लाइफ ये बहुत शुगर से मरेगा, बीपी से मरेगा, हार्ट अटैक से, वो तो निमित्त है, ये जगह नहीं आएगा तो आप मरोगे नहीं, परमानेंट चिंता करो, आप समझ रहे हैं? ये तो आपकी 40-50 हो गए तो वो डाल देता है परमेश्वर, और परमेश्वर के बगैर कैसे क्या आ सकता है ये बीपी, बोलो, उसके परवानगी के बगैर बीपी आ नहीं सकती, उसके परवानगी के बगैर शुगर नहीं आ सकती, उसके परवानगी के बगैर कोई बीमारी नहीं आ सकती, उसने ही डाला है, उसको भी कारण, लेकिन वो प्रभु ने निर्माण नहीं किया बीमारी को, शैतान ने लाया, लेकिन प्रभु बोलता है आने दो इसको, इसलिए सावधान, सावधान। हम वहां जाएंगे तो क्या जवाब, जब कोई व्यक्ति प्राइवेट, जब बच्चों को नौकरी लगती है तो माँ बाप पूछते हैं बेटा आज क्या कमा के लाए, कितना है,
पूछते हैं कि नहीं, पति को पूछते हैं, जिनकी शादी में उनके माँ बाप पूछते हैं कितने पगड़ा हो, वैसा ही यीशु पूछेगा आपको कितना हिस्सा है, मेरी बेटी कितना हिस्सा, ये मेरे बेटे कितना हिस्सा, उन सब पैसे का नहीं, यहां जो जीवन है। इसलिए चर्च अपने आप को, चर्च सबसे, इसलिए मैंने सबसे पहले जो उदाहरण दिया वो उदाहरण है कि उनके बीच में उस व्हाइट मैन को काम करने के लिए उसके पास टोकन की जरूरत, मैं तो मर जाता था, वो मारते थे, लेकिन उसके पास राजा का भला था, वो चिन्ह था, आज हमारे पास उस राजा की तलवार, कौन सी तलवार, वचन, स्टील की लोकड़ की नहीं है, वचन की तलवार। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए हम खड़े हो जाते हैं।